नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इंडिया टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। इंडिया टीवी लाइव इसलिए क्योंकि इसमें इस शो में हम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरीके से जिए उसको लेकर कुछ योग अभ्यास बताते हैं। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी की प्रॉब्लम्स आजकल लोग अपनी पर्सनल लाइफ पर उतार रहे हैं, यानी कि प्रोफेशनल गुस्सा पर्सनल लाइफ पर उतर रहा है। जो इंसान नौकरी करने जाता है, जो भी उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है, जो भी बॉस से उसने डांट खाई होती है, वो घर जाकर दूसरे व्यक्ति पर करता है, यानी इससे उसका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। ऐसा अधिकतर लोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल जो पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं वो पेरेंट्स पर गुस्सा करते हैं। अपना जो पढ़ाई का गुस्सा है, पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, वो पेरेंट्स पर उतार कर स्ट्रेस रिलीफ कर लेते हैं। हमें ये नहीं करना, हमें योग कर अपना स्ट्रेस रिलीफ करना है, अपने गुस्से को शांत करना है। सुखासन गुस्से को शांत कराने के लिए काफी ज्यादा अच्छा आसन है और सुखासन से हम शुरुआत करेंगे इस पूरे सेशन की। तो सुखासन के लिए आपको इस मुद्रा में बैठना है, अपने एक पैर को अपनी थाइस के ऊपर रखना है। सुखासन करने से आपका गुस्सा तो शांत होगा ही और साथ ही आपके मन को काफी ज्यादा शांति मिलने वाली है। सुखासन में बैठकर आपको कुछ नहीं सोचना, बस ध्यान लगाना है। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। ध्यान लगाने से आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप वहां पर अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको भूलकर पॉजिटिव चीजें याद करिए और सुखासन में बैठकर ध्यान लगाइए। तो ध्यान लगाने के लिए अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक छोड़िए। अच्छा अच्छा सोचना है अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ भी रहे हैं, क्योंकि आंखें बंद जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में चल रहे हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे साथ अच्छा चल रहा है वो भी चलते हैं। तो कोशिश कीजिए जब आप ध्यान लगा रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा सोचें अगर आप सोच रहे हैं, और नेगेटिव को नहीं। वरना हो सके तो कुछ भी मत सोचिए, बस ध्यान लगाइए। आसपास की जो आवाज़ें हैं उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए, जो हवा है उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो सुखासन में बैठने के बाद आप अपने हाथों की मुद्रा को ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप नमस्कार पोज में भी बैठ सकते हैं। और अब आप सुखासन कीजिए। कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप सुखासन कीजिए और लंबी लंबी आपको सांस अंदर लेनी है, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो चलिए सुखासन करते हैं। अब हाथों को प्रेयर पोजीशन में रखकर सुखासन करते हैं। जब आप सुखासन कर रहे हैं तो मन की शांति के लिए आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप इस मुद्रा में भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं, साथ ही प्रेयर पोजीशन में भी। तो एक बार सुखासन में बैठकर ओम का उच्चारण करते हैं।
तो कुछ इस तरीके से आपको सुखासन करना है। आप खुद फील करेंगे जब आप आईज ओपन करेंगे 30 सेकंड से एक मिनट के बीच, जब सुखासन आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, बहुत शांति फील होगी और बहुत पॉजिटिव आपकी बॉडी को फील होगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान आसन है, बस इसमें आपको आपके माइंड पर कंट्रोल करना है और इस पोजिशन में बैठ के अपने पैर को कुछ इस तरीके से रख कर सुखासन करना है। चलिए अब बारी है दूसरे आसन की। कभी कभी हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उस गुस्से की आड़ में हम अपनों को भी खो बैठते हैं। गुस्से में हम कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं सामने वाले को, अपने अपने को, कि वो शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते और सामने वाला इतना ज़्यादा नाराज हो जाता है कि चाहे आप कितना भी उसे मना लो वो कभी नहीं मान सकता। तो ऐसा गुस्सा ना आए, अपनों को आप ना खोएं, उसके लिए अब हम शुरुआत करते हैं बालासन की। बालासन करने के लिए आपको मैट बिछाना है और कोशिश कीजिए बहुत शांत सी जगह पर आप मैट बिछा कर योग अभ्यास कर रहे हैं। ज़्यादा नॉइस आपके आसपास ना हो, लोगों की बात ना सुने आप, मतलब कोई आसपास ज़्यादा लोग ना हो, ताकि वो बातें आपको ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो ऐसी कोई नॉइस ना हो, उसके लिए शांति सी जगह पर आप अपना योगा मैट बिछाइए। उसके बाद बालासन करने के लिए आपको अपने पैरों को ऐसे बैठना है, यानी कि अपनी एड़ियों के बल आपको बैठना है। एड़ियों के बल बैठने के बाद अपने घुटनों को बिल्कुल ज्वाइंट रखना है। उसके बाद अपने जो दोनों हाथ हैं, वो दोनों हाथ जब आपके हाथ ही नीचे आएंगे तो जो हाथों के पाम साइड है ये आपकी ग्राउंड की तरफ होगी, यानी मैट की तरफ होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। तो ये आप ध्यान रखें। तो ऐसे पोजीशन में बैठने के बाद आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। जब आप हाथों को ऊपर ले रहे हैं तो आपको ब्रीद इन करना है, सांस अंदर लेनी है, और जब आप नीचे आएंगे तो सांस छोड़नी है। और जब आप नीचे आ जाएंगे तो उस आसन में आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड जरूर रहना है। और ये आसन जब आप करेंगे तो इससे भी आपको सुखासन की तरह शांति महसूस होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बालासन की। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने हाथों को ऊपर लाना है। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। तो आपने समझा, बालासन इस तरीके से करते हैं। बालासन का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी हम करते हैं। दूसरे तरीके में आपको एड़ियों के बल बैठना है, लेकिन अपने घुटनों को बिल्कुल स्पेस दे देना है। एड़ियों के बल बैठ के बिल्कुल आपको स्पेस रखना है, क्योंकि तब जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो फ्लोर से टच होनी चाहिए। हाथों को आपको उसी तरीके से रखना है। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर कीजिए, अब नीचे आइए, अब धीरे धीरे ऊपर आइए, हाथों को छोड़िए और रिलैक्स हो जाइए। तो ये था बालासन का दूसरा टाइप। बालासन का ये एडवांस वर्जन था, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बालासन करने से आपकी हिप ओपनिंग भी होगी जब आप ये एडवांस वर्जन करेंगे, साथ ही दिमाग को तो शांति मिलने ही वाली है। बालासन और सुखासन एक ऐसे आसन है जिससे आपका एंगर के जो इश्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होने वाले हैं। आपको जब भी गुस्सा आए आप कोशिश कीजिए सुखासन में बैठ कर, आप धीरे धीरे ब्रीद इन कर रहे हैं, धीरे धीरे ब्रीद आउट कर रहे हैं, यानी सांसों को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। जब भी आपको गुस्सा आए
आप कहीं पर भी हैं, आप कोशिश कीजिए अनुलोम विलोम कर लीजिए। अनुलोम विलोम करने से, अनुलोम विलोम आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, अनुलोम विलोम कीजिए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। तो चलिए अब एक बार अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए या तो आप सुखासन में बैठिए या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठकर मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ। अगर आपको सुखासन में इजी फील होता है तो आप सुखासन में बैठिए। उसके बाद आपके हाथ की मुद्राएं कुछ इस तरीके से होंगी। आपका लेफ्ट हैंड ऐसे होगा, उसके हाथ की मुद्रा ऐसे होगी और आपके घुटने पर, साथ ही ये वाला हाथ आपका ऐसे होने वाला है, यानी राइट हैंड इस तरीके से। और हमेशा कोई भी आप जब योग कर रहे हैं तो राइट साइड से शुरू करना चाहिए। तो राइट साइड पे आपके थंब, राइट नोज पर आपका थंब होगा और लेफ्ट पर आपकी ये रिंग फिंगर होगी। तो आपको लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोज से आपको सांस को भीतर खींचना है और राइट साइड पर अपना थंब रखना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ना है। ये चीज आपको रिपीट करनी है कम से कम इसके 10 टू 15 स्टेप्स तो जरूर कीजिए। चलिए मेरे साथ करिए अनुलोम विलोम। तो ये था अनुलोम विलोम। आपने महसूस किया होगा कि आपके दिमाग को काफी ज्यादा शांति मिली होगी और आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आए होंगे। लिटरली एक थॉट आपके दिमाग में अनुलोम विलोम करते वक्त नहीं चला होगा। तो आप सोचिए, जब आपको गुस्सा आ रहा होगा तो जो गुस्से को लेकर जो आपके मन में शब्द चलते हैं ना, कि सामने वाले को मैं ये भी बोल दूं, ये भी बोल दूं, इसको, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं इसको ये सब बोल दूंगा, वो सारे थॉट्स आपके गायब हो जाएंगे। अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन ना ही आपके गुस्से को शांत करेगा बल्कि आपकी पूरी बॉडी को एक बैलेंस में लेकर आएगा। सर्वांगासन करने के लिए मैट बिछा लीजिए। उसके बाद आपको मैट पर लेट जाना है इस तरीके से। लेटने के बाद आपको अपने पैरों को कुछ इस तरीके से रखना है। जो आपके हाथ हैं उसको आपको कमर को सपोर्ट देना है ताकि आप अपनी बॉडी को एक लाइन में स्टेबल रख पाए। तो धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेके आइए। अब आपको इस पोजीशन में जितना आपसे हो पा रहा है उतनी देर तक होल्ड रहना है। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को उसी तरीके से नीचे लेकर आना है। तो ये था सर्वांगासन का एक टाइप। ये बिगनर्स आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब तक, जितनी देर तक आप स्टेबल रह पा रहे हैं आप उतनी देर तक रहिए। अब मैं आपको सर्वांगासन का एक एडवांस वर्जन बताती हूँ। आप उसको करेंगे उससे भी आपका गुस्सा काफी ज्यादा शांत होगा और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इससे बढ़ेगा। एडवांस वर्जन करने के लिए आपको योगा मैट पर लेट जाना है। जिस तरीके से हमने सर्वांगासन किया था बिल्कुल उसी तरीके से अपनी कमर पर हाथ रखकर, पैरों को पास लाकर आपको अपनी बॉडी को एक लाइन एंड लेंथ में क्लियरली स्टिल रखना है। सबसे पहले आप वो कीजिए।
जब आप ऐसे स्टिल हो जाएं, तो पद्मासन में आपको अपने पैरों को रखना है। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पैरों को अपने चेस्ट के पास लेकर आए। अब धीरे धीरे वापस से अपने पैरों को ऊपर लेकर आइए और कोशिश कीजिए पद्मासन में इसी तरीके से पैरों को पद्मासन में रखकर थोड़ा बॉडी को स्टिल रखने की। आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। अब धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेकर आए सीधा। अब वापस आपको नीचे आना है, उसके लिए आप कोशिश कीजिए पहले राइट लेग ऐसे और लेफ्ट लेग को ऐसे, पहले लेफ्ट लेग को आप फ्लोर से टच करें, उसके बाद राइट लेग, धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेके आइए। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए और इसके बाद आप शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटने के लिए आपको पैरों को इस तरीके से ओपन रखना है, हैंड्स को आपको जो आपके हाथ के पाम है उसको अपवर्ड फेसिंग में रखना है, यानी इस तरीके से। आंखें बंद कीजिए और ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, थोड़ी देर शवासन में लेटिए। हाथों को वापस लाइए, पैरों को ज्वाइन कीजिए और ऊपर आइए। तो ये आपने सीखा सर्वांग आसन का एडवांस टाइप और शवासन। ये दोनों आसन करने से आपको दिमाग को शांति मिलने वाली है और दिमाग को शांति मिलेगी तो आपका जो एंगर इशू है वो काफी हद तक कंट्रोल होने वाला है। तो ये सारे आसन करने से, यानी सुख आसन करने से, सर्वांग आसन करने से, बाल आसन करने से आपकी बॉडी को काफी ज्यादा आराम मिलने वाला है और साथ ही साथ आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, एंगर इशूज कम होने वाले हैं। यानी आप गुस्से में किसी को डांट देते हैं, किसी से लड़ाई कर लेते हैं और गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बाद आपको काफी ज्यादा रिग्रेट होता है, तो अब वो नहीं होगा। डेली आप ये योगा अभ्यास कीजिए, इन आसनों से आपके गुस्से पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, यानी आपका गुस्सा काबू होने वाला है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए आसन के साथ। नमस्कार।